आकाश विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत निरंजन विराट पुरुष को प्रधान बताते हैं, कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य को जानकर लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। अच्छा देखो, अब व्यास जी ने पूछा था नारद, अब नारद जी कह रहे हैं, जन्मेजय जो पांडवों का पोता था, राजा परीक्षित का बेटा, वो प्रश्न करता है व्यास से। व्यास कहता है कि जो प्रश्न तूने कहा ना ब्रह्मांड की रचना, मैंने नारद से पूछी थी, तो नारद जी के बताओ। देखिए नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है। अब नारद कहे, आपने रचा है अथवा विष्णु इसके विश्व के रचयिता हैं या शंकर ने इनकी इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभो आप विश्व के आत्मा हैं, सच्ची बात बताने की कृपा करें। नारद ने बेरा, पिताजी गपौड़ भी पेल लगा जब ना समझ में आओगी, झूठ भी बोलता है, क्या सच्ची बात बताइयो। नहीं सच्ची बात कहने की क्या जरूरत थी, बताओ जो बताओ वो सब फाइनल है। तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं समर्थ सर्व समर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी इन सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, नारद जी कह रहे हैं कि हे व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, तुम भगवान विष्णु से उसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, अपने टला के विष्णु का निसरकाव है लेकिन फिर भी जो जानता है बता रहा है। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो, यानी सृष्टि रचना के बारे में कोई नहीं जानता। जो त्यागी अहंकार रहित एवं ईर्षा शून्य है वही इसको इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, सथावर जंगम जितने प्राणी में कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य चंद्रमा वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं पड़े। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, कौन मेरा रक्षक है, तथा इस प्रलय काल में सृष्टि संहार करने वाले कौन वशिष्ठ पुरुष हैं। कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर यह जल टिका हुआ है, यह कमल कैसे उत्पन्न हो गया। यों विचार करके मैं जल में उतरा, 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। अब ध्यान से देखना कि यहाँ से बिजली गिरी थी, तप करण की या हठ योग करण की, जो किसी सदग्रंथ में नहीं है, प्रमाणित सदग्रंथ जैसे गीता और वेदों में। इस काल ने आकाशवाणी की ब्रह्मा को, तप करो तप करो। कहते तब मैंने तपस्या आरम्भ की, कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। फिर कहते सृष्टि करो, तपो 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 कर वचन सुनाया, तप करो तप करो। और फिर कहा सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया, सोचा कि किसकी सृष्टि करूँ अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महावरण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे, मैं उनसे भयभीत हो उठा।
तब कमल का डंठल पकड़ कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह बेग के समान श्याम था, पीताम्बर पहने था, चार बुझाएं थी, शेष नाग की सैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख चक्र गदा और पदम इन चार आयुधों से शस्त्रों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष स्याई भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निंद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए पड़े थे। वास्तव में क्या है कि बेहोश कर रखा था काल ने दुर्गा, इसमें भूतनी की तरह प्रवेश करके अन्य रूप बना कर इसको अचेत किए हुए थी, जैसे प्रेतात्माएं अन्य को अचेत कर देते हैं किसी में प्रवेश करके। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। विष्णु जी बेहोश पड़ा था। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित तो उठा। इतने में भगवती योग निंद्रा याद आ गई। मैंने उनका सत्वन किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर वह भूतनी की तरह उसमें बढ़ रही थी, बेहोश कर रही थी उसको अन्य रूप धारण करके। एक सिद्धि बहु चोलेदार है। श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर, शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। वह भूतनी निकलकर ऊपर आकाश में दिखाई दी। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। सारे गहने पैर रखे थे। जब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर शरीर से निकल गई, आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। वह भूतनी कर रही थी, बेहोश भूतनी की तरह इसके अंदर दुर्गा बढ़ गई थी अन्य रूप धारण। ये तीनों ही ऐसे कर रखे थे, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शिव जी। इनको जन्म, इनको पैदा करके सच्चाई से अपरिचित रखने के लिए इनको कोमा में रखा जाता है। योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमसान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे और वो 5000 वर्ष तक तय विष्णु लड़ता रहा उन राक्षसों से, मधु और कैटब से। वह उससे तब भी नहीं मरे। मरे कैसे कि दुर्गा ने फिर अपने अदाएं दिखाई। वो दुष्ट उस दुर्गा की तरफ बुरी नज़र से उसकी तरफ देखने लगे। पाछे तो विष्णु ने मार दिए। इसके बाद भगवान विष्णु ने पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। ओहो, इनकी शुरुआत तो मार काटते हैं। सुत्या उठ दे विष्णु लाग गए न मारन, जन्म होते ही। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। यो शंकर भी आ गया, काल का तीसरा बेटा, तमोगुण। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। वो सामने जो खड़ी थी अन्य रूप धारण करके, उसने दुर्गा का रूप बना लिया। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, दुर्गा ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ये रुद्र कहो और चाहे महेश कहो, वही रुद्र भी प्रकट हुए। इन तीनों से कहता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, सतिथि और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती अध्याशक्ति की यह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हों। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न हैं। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में ये काल का इन दोनों का मिला जुला जाल है। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया।
तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे श्रोधार्य कर लिया। रतन दड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। अब पुणात्माओं थोड़ा सा मौखिक सुनाऊंगा, तब ये देवी पुराण आपका बहुत अच्छा आसानी से समझ में आओगी। अब काल के आदेश से, और वो गुप्त रहता है, कभी किसी के सामने नहीं आता, काल दुर्गा ने विमान में बैठा के तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, आकाश में उड़ा दिया। ये वहाँ पहुँचे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के अंदर आपको चित्र में दिखा, ब्रह्मांड का एक चित्र में, अब थोड़ा सा फिर दिखाते हैं एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये है एक ब्रह्मांड, ये है ब्रह्मलोक, जहां से ये है ब्रह्मलोक। और इस काल ने इस ब्रह्मलोक में एक महाइंद्र का द्वीप भी बना रखा है। ये है महाइंद्र का द्वीप है, ये है एक एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये सारा पूरा ब्रह्मांड है। इसमें यहाँ ये पूरा समुद्र है, चारों तरफ मीठा समुद्र है। ये यहाँ पर सारा ये जितना ये नीला नीला सा दिखाई दे, सारा समुद्र है। और इस समुद्र में ब्रह्मा विष्णु और महेश को इस किनारे पर एक साइड में मीठे जल का समुद्र है, यहाँ इनको तीनों को रखा हुआ था। विष्णु शिव जी को कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा था, और विष्णु जी को शेष सैया पर लेटा दिया, और उसकी नाभि से कमल बना दिया, अपनी शक्ति थे उसको ऊपर ब्रह्मा लौटा दिया। तो ये सबसे पहले ये यहाँ आए इस महाइंद्र के द्वीप में, इसे आगे रास्ता बंद कर रखा इसने। ये वापस फिर इससे वापस निकलकर ये कहाँ गए, इनका विमान इस रास्ते से यहाँ पहुँच गया सबसे ऊपर इस ब्रह्मांड के शिखर। सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। अब ये शिखर सुन में, शिखर माने चोटी पर, सबसे ऊपरले स्थान पर ये काल बैठा है। और इसने यह तीन स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। जब यही यहाँ अन्य रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को अपने साथ रखता है, दुर्गा को जैसे ब्रह्मा रूप में होता है तो सावित्री रूप दुर्गा का बना लेता है, और ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण हो जाता है, और ब्रह्मा इस रूप का ही स्वरूप का ही वो ऐसा ही स्वरूप का हो जाता है, पिता से मिलती जुलती शक्ल बन जाती है। फिर ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गा लक्ष्मी रूप में, काल विष्णु रूप में। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण प्रधान हो जाता है, अपने आप सतोगुण युक्त हो जाता है। और फिर तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से यहाँ जो पुत्र होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुणी हो जाता है। जैसे तो फिर ये क्या यहाँ से आए, इन पहले ब्रह्मा का लोक देखा, ओहो यहाँ गया विमान, दूर से दिखाया कि वो एक ब्रह्मा बैठा है और सावित्री उसके पास बैठी, एक ब्रह्मा देखा, फिर विष्णु देखा, लक्ष्मी भी देखी, फिर शिव देखा है। तो ऐसे ये सारी कहानी ये अब आप समझ में आओगे इनके। और ये दुर्गा का लोक अलग है, ये इस क्षेत्र में ये किसी को नहीं प्रवेश करने देता, केवल दुर्गा को ही अपने साथ रख लेता है, बाकी इसको इधर से वापस छोड़ देता है। अब यहाँ अब बताते हैं आपके समझ में आओगी सारी कहानी। अब आप जी को